अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां इटावा नेशनल हाईवे 719 स्थित बरेठा टोल पर फ्री में गाड़ी नहीं निकालने पर दबंगों ने बूम बैरियर को तोड़ दिया। जब सिक्योरिटी गार्ड ने रोकने का प्रयास किया तो उस पर बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना में कर्मचारी बाल बाल बच गया। घटना सोमवार मंगलवार रात 12:30 बजे की है। सुबह टोल महाराजपुरा थाने में पहुंचे और एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। आरोपी गोहद के एंडोरी गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बरेठा टोल पर रात 12:30 बजे सफारी क्रमांक MP7CB8755 ग्वालियर से लेन नंबर 1 पर आई। सफारी के पीछे एक गाड़ी और थी। गाड़ी चालक ने बिना टोल दिए फ्री में गाड़ी निकालनी चाहिए। जब बूथ में बैठे कर्मचारी ने मना किया तो गाड़ी चालक ने बूम बैरियर को तोड़ दिया। साथ ही पीछे आ रही कार को भी फ्री में निकालने के लिए कहा। जब कर्मचारी ने बूम तोड़ने का विरोध किया तो सफारी की ड्राइविंग सीट पर से युवक नीचे उतरा और पीछे का गेट खोलकर 315 बोर की बंदूक बाहर निकाली और सिक्योरिटी कर्मचारी को निशाना बनाकर लगातार 2 फायर कर दिए। इसके युवक सफारी में बैठकर मालनपुर की तरफ निकल आया। कर्मचारियों ने गाड़ी नंबर से मालिक का पता किया तो वीरेंद्र सिंह पुत्र जनक सिंह तोमर निवासी एंडोरी नाम आया। बताया जाता है कि रात में गाड़ी वीरेंद्र सिंह का भतीजा अर्जुन सिंह उर्फ अन्नू तोमर निवासी एंडोरी चला रहा था। मंगलवार सुबह टोल कर्मचारी महाराजपुरा थाने में पहुंचे और आरोपी के खिलाफ आवेदन दिया है।